हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल तड़का यानी कि दाल फ्राई। उसके साथ बनाएंगे जीरा राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप अरहर का दाल यानी कि तुअर का दाल, आधा कप मूंग का दाल। दोनों दालों को मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए सोक कर दिया है। और यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन बारीक कटे हुए 1 चम्मच। अब एक प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे हमारे दोनों दालों को। अदरक लहसुन डाल देंगे बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा हल्दी, नमक ऐड कर दिया है थोड़ा सा। और इसमें ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पे मैंने लगभग 1 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिया है। इसको हमें 2 सीटी लगानी है। और थोड़ा तेल ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सेला बासमती राइस लिया है। इसको आधे घंटे के लिए सोक कर दिया था अच्छे से वॉश करके। अभी इसको हम पका लेंगे। पानी बॉईल करने रख दिया था, उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च दो तीन, दालचीनी का टुकड़ा। और इसमें ऐड कर देंगे हमारे चावल। इनको हमें 90% तक कुक करना है। पांच मिनट हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा बाकी है, 2 मिनट और पकाती हूँ। वापिस एक बार चेक कर लेते हैं। ये परफेक्टली डन है। अभी इसको ड्रेन कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है तड़के के लिए अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ, टमाटर 1 चम्मच, मिर्च पाउडर, राई, जीरा और एक बारीक कटी हुई बड़ी प्याज। अभी हम पहला तड़का लगाएंगे। उसके लिए ऐड कर दिया है 2 चम्मच तेल, जीरा, राई, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी, बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दी है। अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ ऐड कर दिया है, लगभग 1 चम्मच के करीब है। दाल तड़के के लिए हमें लहसुन की ज़्यादा ज़रूरत चाहिए। थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है 1 चम्मच के करीब। अभी हमारे टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को अच्छे से नरम होने तक हमें भूनना है। ये हमारा पहला तड़का है। दाल तड़के के लिए 2 तड़कों की ज़रूरत पड़ती है। एक तड़का हम दाल बनने के बाद देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है क्योंकि दाल बॉईल करते टाइम भी हमने उसमें नमक ऐड कर दिया था, तो उसी के हिसाब से नमक को ऐड करें। टमाटर को अच्छे से नरम होने तक हमें पकाना है। टमाटर अच्छे से भून चुका है। अभी इसमें ऐड कर देंगे हमारी दाल।
इसमें ऐड कर दूंगी मैं लगभग एक ग्लास के करीब पानी, क्योंकि ढाबा स्टाइल जो दाल होती है वो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है ना तो ज़्यादा पतली होती है, तो हम उसी हिसाब से पानी ऐड करेंगे उसमें। इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है। दाल को बॉईल आ चुका है, हमारी दाल रेडी है। तब तक हम जीरा राइस की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच के करीब तेल। इसमें डाल देंगे बहुत सारा जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि चावल उबालते टाइम भी हमने नमक ऐड किया था, तो उसी हिसाब से नमक को ऐड कीजिएगा। और अभी इसमें डाल देंगे हमारे उबले हुए चावल। अगर आपको गरम मसाले पसंद नहीं हैं तो इसी स्टेज पे आप सारे गरम मसालों को निकाल दीजिए। जीरे को चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। देखिए हमारा जीरा राइस रेडी है, कितना आसान है। अभी हम तैयारी करेंगे दूसरे तड़के की। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है लगभग 1 बड़ा चम्मच देसी घी। उसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा जीरा, राई, 2 बैठगी मिर्ची और बारीक कटा हुआ लहसुन बहुत सारा। ये तड़के का मज़ा लहसुन से ही आता है। इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसको अच्छे से भून लेंगे। ये तड़का हमारा तैयार है, अभी उसको हम दाल के ऊपर ऐड कर देंगे। ये लीजिए हमारी ढाबा स्टाइल तड़के वाली दाल या दाल फ्राई तैयार है। कितनी सिंपल है, तो ज़रूर बनाइएगा तड़के वाली दाल और जीरा राइस और मज़ा लीजिए गरम गरम जीरा राइस और दाल तड़के का। आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। घर में रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।